हेलो जी, सत श्री अकाल जी। मैं अमनदीप कौर पंजाबी कुकिंग एंड पंजाबी कल्चर भी थोड़ा स्वागत करती हूँ। दोपहर का टाइम है जी, 2:30 बज रहे हैं। तो अपने साग सवार भी लिया, तो धो भी लिया, तो इधर जो अपने चूल्हे भी पोचा दे दिया। चूल्हा जोड़ा अपना एकदम टक टक हो गया, वधिया हो गया, साफ सुथरा कर लिया अपने। ते अपन जी पालक वगैरह भी है ना वादू चीर ली, ना सॉरी वादू तोड़ ली सी। देखो पालक साग है ना अपने दोनों पोइए धो ले। तो मम्मी कहती अग मैं बाल दनी है, फिर मैं क्या चलो मैं नहीं चीर देनी, तुम इन्हें अग बालोंगे ना। तो मम्मी नाले पतीला लिया अंदर, लकड़ियाँ वगैरह तो एक दो लकड़ी लेके आने, तो पाथियां पईया ने है ना। होर सुनाओ जी सारे का की हाल चाल। उम्मीद करते हैं सारे वधिया होंगे, ठीक ठाक होंगे। थानू पता है ना जट्टां दा कम, दा सर्दियाँ सर्दियाँ साग नहीं मुक्न देते ना। साढ़े घर ना अभी जो कोई भी सब्जी बना लीए ना, जिमें अपना घर की गोभी है ना, जा बैंगन बना लीए, जा कोई होर सब्जी बना लीए, ना सरदार जी खान ना उधम खावे। पापा जी तो मैं मम्मी असी तीन जने खाने हूँ सब्जी है ना कोई भी। यह तो प्यो पुत तो बिल्कुल ही नहीं खाते, कहे सानू साग दे दो साग दे दो। हाए मैं थोड़े वैसे साग ही सही है, रिन्न के एक दिन रख दिए, मैं 10 दिन आराम नाल खाई जाया करो। लो जी पतीले च, अच्छा लो जी मम्मी पतीले च पानी पा ले, ते हुण बालणगे अग। मम्मी ने तां उच्ची पीढ़ी ते बैठना हुंदा ढूही करके ना, फिर नीमी ते बैठ नहीं हुंदा हैगा, तां करके अज दा साग मैं तोड़िया है। हाँ हाँ नहीं है तो तुसी तोड़ ली, मैं नहीं कह रही तुसी तोड़िया नहीं, ऊ कह रही भी जनी अद दे वध चलो भी साग मैं तोड़िया। मैनू कॉन्फिडेंस जा हो गया भी हाँ मैं कल्ली साग तोड़ सका है। गल उ रे है भी हुण ओही गल है ना भी, जिवें चल तुसी तोड़ लिया करे, मैं थोड़ी गैल कड़वाते आ, जिवें चल तुसी पिछे गंदला तोड़ लिया, गंदला तो तोड़नी सौखी है, गंदला तोड़नी कितने औखी है भी। जिस तरह मैं साग तोड़ दी कल्ली जनी मैं बना सका है। कुछ भी बना भी ना सरदार जी खावे ना उधम खावे, भी हमें तीन जने सब्जी खाने आने तो कहूंगे साग दे दो रिन्न के साग दे जाओ, बस इन्हों सारा दिन ना सब्जी खाए कोई सब्जी नहीं। लो जी अग बल गई चूल्हे च, ते हुण मम्मी रख देणगे पतीला, बस इन्ने नूं अपने चीर चीर साग पाई जाणा विच। इह है जी अपने पंजाबियां दी देसी खुराक है ना हार च। वैसे अपने अज तक कुछ नहीं बनाया हैगा, अज दा हारा भी खाली करते आ सी, राख नाल भरिया होया सीगा। पता क्या है फिर इधरों कट कट इधर पाई जन्ने आ हार च, बस फिर एक दिन कट दिंदे 3-4 दिनां बाद। लो जी अपने पालक तो चीरती है ना, तो उधर चूल्हे जी अग सुलग गई, ये आ गया बिच अपना गंदलों का साग है ना। मेरी मम्मी पता क्या करे करती, मेरी मम्मी ने ना गंदलों ए कट्ठिया करके ले लेनी, और चीरनी जी बना के मूरे से, जिस तरह अपनी तो खिंडरिया खिंडरिया हो गई, बस फिर पत्ते पत्ते पीछे रह जाने, गंदलों गंदलों चीर लेने। हमें भी इस तरह चीर लेने, हुण तां आपां विच कर देवां कट्ठा, हुण जां धोईआं अड़ गईआं उत्ते। पाणी आ गया ना इसनूं, होर वी आह हो गया हरा हरा जिहा ना, गंदलां ओह हो गईआं कैड़ी कैड़ी जिहीआं, मैं ते लैणा पतला आह चीरे जांदा बरीक, मेरी मम्मी ते बरीक बरीक चीरा है।
ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਗ ਜੀਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈ ਮੰਮੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਗ ਜੀਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਾਗ ਜੀਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਤ ਕੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਗ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਲੈ ਲੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਤ ਕੇ ਲਈ ਸਾਗ ਜੀਰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲਗਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਜੀਰਦੀ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਏ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਸੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਿੱਝ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਦਮ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਗ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਖਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਬਈ ਸਾਗ ਟੂਣਾ ਕਰਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੀ। ਨਜ਼ਰਦਾਰ ਦੀ ਸਾਗ ਕੀ ਤੂੰ ਮਾਤੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਘੋਟਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਢੱਕਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਢੱਕ ਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੱਚ ਰਹਾ। ਹਾਂ ਸਾਗ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਕਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਤੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੀ, ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਕਮਲੀ ਹੋਵੇ, ਨੀ ਸਾਗ ਮੇਰਾ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਤਾਂ ਸਾਗ ਰਿੱਝ ਰਿੱਝ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਛਿੱਲੂ ਰੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾ ਲੋਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੰਮੀ ਸੰਤਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਛੋਲੇ ਲਿਆਏ ਹੋਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਮੇਥੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਰ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਸਾਗ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਚੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਘੋਟਣਾ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਸ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੱਜ ਗਏ 3। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਤੀ ਹੋਰ ਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ ਇਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੀਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਖਾਊਂਗੀ। ਖੱਟੇ ਤਾਂ ਨੀ ਹੈਗੇ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਤਰੇ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗੇ, ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੇ ਉਹ। ਹੋਰ ਕਿਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਚੇ ਮੰਜੇ ਡਾਹਡਾ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਰੂੰਗੇ, ਠੀਕ ਨੀ? ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਗ ਦੀਆਂ। ਪੱਤੇ ਕਿਲੋ ਭੇਟ ਕੇ ਚੀਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਮਾ ਜੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਲੱਕੜੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾ ਹੋਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਤੀਵੇਂ ਦੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾ ਦੇਖੀ ਕਹਾ ਇਹ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰਖਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕੱਢ ਕੇ।
चरको भी ना मां फिर पड़ा लेंगे हम दिन बेला हो गए साग बनाओ साग बनाओ साग के शकीन बहुत है। फिर पापा ही शुरू दे बहुत लो जी साग अपना चीर भी हो गया ते अपने पतीले दे विच पा भी दूई पासे ते बंद जाए नहीं दूसरे पासे ते भी लाऊंगी इस पासे ते फिर सोखा हो जाता है आ दब हो जाता है दूसरे पासे ते भी लाऊंगी पानी की तो वैसे लोड नहीं है ना हाल तो लोड नहीं है थोड़ा रिजली होगा ना फिर पानी होगा सरों का फुल भी पा दे बीच मेथी का आया कौन मेथी का था वो मेथी का था मैंने सोचा कि तो सरों का मेथी में अच्छा कल तोड़ के ले ना हूँ अच्छा लो जी नाले बाल दी चुले च अग ਦੱਬ ਕੇ ਚੀਨਾ ਲਾ ਦੀ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੋਈ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਕਰਦੀ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਦੋਈ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਗੋਹਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੋਹੇ ਦਾ ਧੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ एक बार देख ले उधर ना चूल्हे की रोटी स्वाद लगा मक्की की है नी हाँ चूल्हे की रोटी तो शकीन है वो पूरा हाँ पार खा रहा ना मम्मा चूल्हे की रोटी हो गई पक दी रड़ती रड़ती सोने लगा ना चूल्हे बढ़िया रोटी रड़ जाए ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੋਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੋਟਣਾ ਫੇਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਘੋਟਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਨ ਬਣੂਗਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਿਵਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਗ ਬੀਟਰ ਨਾਲ ਘੋਟਣ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਾਗ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਟਰ ਨਾਲ ਘੋਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮੇਂ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਦਾ ਜਦ ਬੀਟਰ ਐਂ ਪਿਆ ਬਸ ਪੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਲੱਸੀਆਂ ਲੱਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਰ ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ मशीन साग चीरने वाली बहुत देर की दिखाना पुरानी हाँ मेरे ब्याह भी मैं लगी चीरन ओने जूस जे कढ़ते हाय मैं जी कान पाई मैं क्या मेरे दांत लियान दो मेरे पापा यार दांत लेके आए था हाँ बहुत देर की थी था मैं शीघ्र शीघ्र मैं मशीन कर ली हाँ और उस ते बाद तेरे बाद हूँ तो दूई बाद ली थी अच्छा आधा पुरानी हो गई थी बात हाँ मेरे आए थे फिर दांत लेके आए थे मैं पापा यार ओ भाई नहीं तो हाथ ना बढ़ा ली मैं तेन मशीन ले आने दवा जो आ खराब हो गई खा लो तुम संतरा खाओ खाना आ शीघ्र दो खा ले तुम बस उदम ने भी होने वाली छुट्टी तो होगी आने वाला बस वो भी जाकर दुध चाह बना लवा इन्हें आ चीज तो जे ना कोई सब्जी फिक्की होवे या नमक मिर्च घट होवे फिर भी नहीं खांदा हैगा उदम स्वाद लगनी चाहिए उन्हें बस संतरे छीलना खाना बहुत औखा लगे।
ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲਿਆ ਮੈਂ ਰਾਜਪੁਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਖੱਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੈ ਆ ਖੜਿਆ ਸੀ ਬਾ ਉਹ ਹੀ ਬੈਰੇ ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਛਿੱਲਾ ਬਸ ਇਹ ਸੋ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਸੂ ਨਾਲ ਆ ਯਾ ਰੋ ਹਰੇ ਤੇ खट्टे ना मैं तो वही कहते मैं तो सानू जान के कहता हूँ ये खट्टा होएगा सच्ची में खट्टा निकल रहा है जिमें जिमें हो ठंड होएगी ना फिर चुल्लेगा सेक वधी लगे करेगा उड़ी आ रहे ताई हैं उड़ी आ रहे ताई उड़ी आ रहे ताई जी रास्ते में ही थे जब मैं नॉन ले आऊँ सागा बने आदू लो जी मम्मी लगे साग च नमक पान लो जी साग अपने रिज रहा है अपने दुबारे फिर अग बालती इस घोटना फेरी जावांगे साग नू बनाई जावांगे आ गई मिर्चा पोली वरते खासी लंबी है ऑर्डर करी हुई थी मैं लगा है भूल गए कहा आ गई हमें तो ऑर्डर दे मतलब मिर्चा का हमें क्या कितने पार्सल होके आ रही है मिर्च आ गई अदरक अच्छा आ गए हमें सोचा हमें तो कद के कह रहे भी इन्नी देर लगी मिर्चा नु पोली वरते आंदी नु तुसी दुबारे लाह छिलन लग गए प्याज तड़के वास्ते पांच छोले में क्या बनना था खासे ले आंदे होर बस ठीक है फिर रोटी चाह के काम आऊंगे चोले गेल चोले भी आंगे गेल टोली ले आंदे ये तो ये जड़ी उसनु गाला पराली पराली फिर पहला पानी थी यहाँ 200 ग्राम ना एक टोल 200 लीटर वाला पानी का फर्क है दो किलो गुड़ दो किलो गुड़ पाके बिचे दो ही पादे कितने दिनों को लेगी कई दिनों में पहला